हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे एकदम फर्स्ट क्लास फिट और लशपश होंगे। जी हाँ जी, तो आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही मज़ेदार किस्म की काले चने की चाट, जिसको बनाना है बेहद आसान और जब खाएंगे तो जायका ऐसे दोबाला होगा कि बार बार आप खुद खाएंगे। हाँ जी, ये मेरी गारंटी है। और वैसे भी कहा जाता है कि जो है ब्लैक चना वाइट चने के मुकाबले में ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है और फ़ायदेमंद होता है आपकी बॉडी के लिए और हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। सो एक बार इसको लाजमी घर पर बना के देखें, आपका खुद बार बार इसको बना के खाने को दिल चाहेगा। जी हाँ जी, तो चलते हैं फौरन से हम रेसिपी की तरफ। और जाने से पहले आपने सब्सक्राइब करना है अपने फेवरेट चैनल सारा की संग संग को और लाइक करना कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लेट्स गो। आर्ट हो या क्राफ्ट हो, कुकिंग हो या बेकिंग हो, फेशियल हो या रिव्यू हो, रहिए सारा के संग संग। यस तो व्यूवर्स, मसालेदार काले चने बनाने के लिए हमें सिर्फ चंद चीज़ें चाहिए। काले चने हमने लिए हैं 1/2 kg और इसको हमने प्रॉपरली ओवरनाइट जो है भिगो के सोक किया हुआ था, यानी कि बिल्कुल प्रॉपरली भिगे हुए हों। 2 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज चाहिए, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चाहिए और 2 ही हमें चाहिए ग्रीन चिल्ली। तो आए चल के तैयार करते हैं। सिर्फ इन 4 चीज़ों के साथ। यस, और मसालों में भी हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए 4 चीजें, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर। जी, तो मैं यहाँ पे एक ख़ास टिप आपको देती चलूँ कि जितना ज़्यादा और जितना अच्छा आप इसको भूनेंगे उतना अच्छा ही इसका टेस्ट और जायका आएगा। इतना अच्छा भूनना है कि जब इनके इसमें जो प्याज टमाटर थे वो सब आपस में यकजान हो जाएं और इसका सब जायका इसके भूनने के बाद ही आता है।
जब हमारा पानी 1/3 रह जाएगा जितना हमने डाला है, तो उसके बाद फिर हम इसको भूनना शुरू कर देंगे। यहाँ पर आपने ये भी नोट किया होगा कि हमने इसको प्रेशर कुकर में नहीं गलाया, बल्कि इसको जो है नॉर्मल पतीले देसी में गलाया है, और सिर्फ 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर ये हमारे चने बहुत ही अच्छे गल गए हैं। अब हमने करनी है इसकी प्रॉपर भुनाई। इतनी अच्छी भुनाई करेंगे कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर सरफेस पे आ जाए। एक और टिप यहाँ पे मैं आपको देती चलूँगी, जैसे ही हमारे चने प्रॉपर गल जाएंगे और भुन जाएंगे तो हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। जितने हमें यानी कि अमाउंट चाहिए वो निकालने के बाद हम बाकी स्टोर कर दें, और जब कभी आगे दिल चाहे तो हम इसको निकाल के उसकी चाट बना के सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। तो यहाँ पे रेडी हो चुकी है हमारे काले चने की स्पेशल प्लेट। खाइए, इंजॉय कीजिए और लाजमी कमेंट करके बताइएगा। जहाँ भी रहें हंसते बसते रहें, शाद रहें, आबाद रहें और देखते रहिए सारा के संग।